अच्छा बच्चों, आपका जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपने IUPAC नेम्स लिखने हैं, इसका पार्ट 2 है। इसमें ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो है ये कंप्रेस्ड फार्मूला है, इसको आपने ओपन करना है। अब ओपन करने से पहले आप एक बात ध्यान में रखें कि ये लिखा हुआ है CH3 होल 3, यानी मिथाइल ग्रुप जो है ये मिथाइल ग्रुप होता है। CH3 और होल 3 का मतलब है कि ये ग्रुप 3 दफ़ा है। एक बात आप जहन में रखें कि CH3 ग्रुप जो है ये कभी भी चेन के दरमियान में नहीं होता, ये हमेशा टर्मिनल होता है। टर्मिनल का क्या मतलब है कि ये एक सिरे पे होता है। ये क्यों टर्मिनल होता है? क्योंकि मिथाइल ग्रुप का मतलब है कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स इस तरह से लगे हुए हैं। तो अब एक ही इसकी वैलेंसी खाली है, जिस पे कोई दूसरी कार्बन लग जाएगी या कोई और ग्रुप लग जाएगा, तो ये चेन के दरमियान में नहीं आ सकता। ये हमेशा चेन के एक सिरे पे होगा। क्यों? क्योंकि इसकी 3 वैलेंसीज जो हैं वो यूज़ हुई हुई हैं। तो अब अगर हमने इसको खोलना है, तो ये आप देखिए कि इसका मतलब ये कि ये CH3 होल 3, यानी CH3 ग्रुप 3 दफ़ा लगा हुआ है। किसके साथ लगा हुआ है? इस सी के साथ। तो आप ऐसे इसको खोलेंगे, यहाँ कार्बन लगाएंगे और इस कार्बन के साथ आप 1, 2 और 3, क्योंकि CH3 ग्रुप टर्मिनल होता है, चेन के दरमियान में नहीं होता, तो आप ये 3 CH3 ग्रुप लगा देंगे। आगे आप जाएं, नेक्स्ट है CH2, इसी तरह से आगे जाएं सी, फिर CH3 के साथ 3 कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं। तो इसी तरह से इसको आप CH3 CH3 एंड CH3। अब इसकी नंबरिंग जो है दोनों एंड से आपके सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं, राइट से करें या लेफ्ट से, एक ही बात है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आपके सब्स्टिट्यूएंट जो हैं, कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हैं, कार्बन नंबर 4 पे 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हैं। रूल्स के मुताबिक आपने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं आपके मिथाइल हैं, चारों एक जैसे हैं, तो आपने इनको लिखना है टेट्रा मिथाइल। और उससे पहले आपने बतानी है लोकेशन, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो आपने दो जो है दोनों के लिए दो को अलग 2 दफ़ा लिखना है, यानी एक दफ़ा 2 इस मिथाइल के लिए, दूसरी दफ़ा नंबर 2 इस मिथाइल के लिए, 2 2। इसी तरह एक दफ़ा 4 नंबर ऊपर वाले मिथाइल के लिए, दूसरी दफ़ा 4 नंबर नीचे वाले मिथाइल के लिए। और 4 मिथाइल थे तो टेट्रा मिथाइल, और उसके बाद फिर हमने मेन चेन का नाम लिख देना है। मेन चेन क्योंकि 5 कार्बन की है तो पेंटेन, इस तरह से इसका नाम होगा। और ये कंप्रेस फार्मूला हम इस तरह से ओपन करेंगे।